प्रदेश के वो दो दिग्गज नेता अपने बयानों को लेकर आमने सामने आ गए हैं। गब्बर के नाम से प्रसिद्ध भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को शूर्पणखा कहने पर सुरजेवाला ने भी जवाबी हमला बोला है। दरअसल पिछले दिनों एक रीजनल चैनल पर सरकार के 4 साल पूरे होने पर विज साहब अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे, तभी विज साहब ने सुरजेवाला को घेर लिया। पहले सुनिए अनिल विज का वो बयान जिसमें अनिल विज रणदीप को शूर्पणखा कह रहे हैं। नहीं, मैं जो किरदार नेता निभाते हैं मैं उसी के अनुरूप उनको नाम देता हूं। अब सुरजेवाला जी को मैंने शूर्पणखा कहा है तो सोच समझ कर कहा है। इनकी कई बार नाक कट चुकी लेकिन इनको शर्म नहीं आती है, इसलिए मैंने इनको शूर्पणखा कहा। रणदीप सुरजेवाला ने भी विज के बयान का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। उनका कहना है कि विज को छपास की बीमारी है और मीडिया उन्हें नहीं दिखाएगा तो वो उलझुल बातें नहीं करेंगे। सुरजेवाला का भी बयान सुनिए। मैं एक आपको बात कहूं, उनको छपास की बीमारी है, उनको छपास की बीमारी है, उनको छपास की बीमारी है। आप अगर उन्हें नहीं दिखाएंगे तो वो उलझुल बातें नहीं करेंगे। मैं उन्हें केवल हाथ जोड़कर ये कहूंगा, हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। जब जब आप देश में जनता की लड़ाई लड़ेंगे तो जो आपके विरोधी हैं, जो ये नहीं चाहते कि जनता की आवाज उभरे, वो आपको गाली देंगे। उस गाली से आप और शक्तिशाली होंगे। और महात्मा गांधी कहते थे, कोई आपको गाली दे आप लेने से इनकार कर दो तो उसी के पास रह जाएगी। तो गाली का जवाब गाली नहीं हो सकता। मैं उनकी गाली लेने से इनकार कर। चुनावी माहौल है, ऐसे में नेता एक दूसरे पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या नेताओं का ऐसा बर्ताव करना कहां तक जायज है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।